पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली रोड स्थित भगवान तिरुपति बालाजी भवन में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा में ज्ञान यज्ञ की वर्षा करते हुए इस्कॉन प्रचारक धीरशांत दास ने कहा कि हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़े हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में रस ढूंढ रहे हैं। संत महात्मा अपना समय नष्ट नहीं करते, वो हर समय भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। अगर गृहस्थी भी जीवन का केंद्र भगवान को बनाते हैं तो वो सुखी हो सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी गृहस्थी होते थे। दान में उपहार देना, धर्मार्थ उपहार स्वीकार करना, किसी के मन को विश्वास में रखना, गोपनीय रूप से पूछताछ करना, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद चढ़ाना, एक भक्त और दूसरे द्वारा साझा किए गए प्रेम के क्षण लक्षण हैं। आप अपने मन की बात कृष्ण को बताएं और कृष्ण आपको दिशा भी देंगे। आप कृष्ण को अर्पित करते हैं कि कृष्ण आपने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं। इस दौरान कथा के विश्राम के उपरांत आरती की गई, जिसमें सभी भक्तजनों ने धर्म लाभ कमाया। हमारे वैष्णव लोग केवल भगवान का भोग लगा प्रसाद खाना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य भजन नहीं करता वो मुर्दे के समान, जो भजन नहीं करता वो मृत प्रिया है। तो जो भजन नहीं करेगा उसके हाथों का भी क्या खाया, क्योंकि वो क्या है? शव है, शिव नहीं है, उसमें ईश्वर तत्व की मात्रा हटी हुई है। अगर ये शरीर भक्ति करेगा ईश्वर की तो शिव हो जाएगा, और ई की मात्रा हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? शब्द। हमारे वैष्णव भक्त शब के पास नहीं बैठते, जो भगवान का कीर्तन करते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। हमें शब नहीं बनना, हमें शिव बनना, हमें शरीर के साथ आत्मा रूपी आनंद का वर्धन करना है। भैया मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि हजारों गया के श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति होने वाली। तब गोकर्ण महाराज ने चलते हुए सूर्य की गति को रोक दिया, बोले विवश्वान सूर्य देव जी कृपया मेरी जिज्ञासा का निवारण करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।